दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक नया YouTube चैनल है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ हेल्प करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपने कमेंट्स लिखकर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं री इनकारनेशन के बारे में। री इनकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, जिसकी मान्यता है, वो हजारों सालों से चली आ रही है। बहुत से लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। हम नहीं कहते कि आप इसमें विश्वास करें या ना करें, वो आप अपने ओपिनियन, अपने व्यू सब खुद बनाएं, लेकिन हम आपको आज यहाँ ऐसे 10 लोगों से उनके बारे में बताने वाले हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ है, और वो भी सबूतों के साथ। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है जेम्स लेनिंगर। जेम्स लेनिंगर का जन्म 1998 में हुआ था, और जब वो सिर्फ 2 साल का था तो उसने एक पैसिफिक है, इवो हिमा जापान के एक पैसिफिक है, वहाँ की फ़ोटो के ऊपर उसने इशारा करके बताया था कि उसका जहाज़ वहाँ पर मार गिराया गया था। उसके पेरेंट्स को यह सुनकर बहुत शौक लगा था। फिर उन्होंने इस बारे में जब रिसर्च की तो उनको पता लगा कि ऐसा एक ही जहाज़ वर्ल्ड वॉर टू के अंदर 1945 में वहाँ पर मार गिरा गया था। पूरे हिस्ट्री में केवल एक ही जहाज़ था, और वो जहाज़ एक अमेरिकन पायलट लेफ्टिनेंट जेम्स ह्यूस्टन जूनियर का था। तो इस जो पायलट का नाम पिछले जन्म में भी जेम्स ही था, तो इस बच्चे का नाम भी इस जन्म में जेम्स ही है, ठीक। और वो उसने बताया कि 1945 में ही उसका जहाज़ वहाँ पर मारा गया था, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके पेरेंट्स सुनकर बहुत हैरान हुए थे। जेम्स था, वो बचपन से ही जब जहाज़ों को देखता था तो उसे बहुत डर लगने लग जाता था। वो आग को देख कर डर जाता था, उसके मन में फोबिया था, और वो बताया करता था, उसको हमेशा सपने आया करते थे, डरावने सपने, जिसमें कि वो बताया करता था कि चिल्लाया करता था, एयरप्लेन क्रैश, लिटिल मैन कैन गेट आउट ऑन फायर, मतलब कि हवाई जहाज़ क्रैश हो रहा है और उसमें आग लगी है और आदमी उसमें से बाहर निकल नहीं पा रहा है। उसने और तो और अपने उस जहाज़ का नाम भी बताया था, उसके जहाज़ का नाम नटोमा था, उसने वो भी सही सही बता दिया था। सो गाइस, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। अब उसके जो पेरेंट्स थे वो लेफ्टिनेंट जेम्स की क्रू से मिले, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी गोइंग वेरी ओल्ड वेरी बैक इन द टाइम। उन्होंने कन्फर्म किया उसके जो साथी थे लेफ्टिनेंट जेम्स के, उन्होंने कन्फर्म किया कि जो बच्चे जेम्स के द्वारा बताई गई बातें हैं वो सब 100% एक्यूरेट है। सो गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसकी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं जेम्स लेनिंगम, और वो बहुत ही डिटेल में आप उसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं। अब नंबर 9 पर जो आती है वो है शांति देवी। ये शांति देवी हमारे अपने ही देश की, हिंदुस्तान की हैं, जो हिंदुस्तान में, इनका जन्म 1926 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1926 में, जब ये 4 साल की थी तभी अपने पेरेंट्स को बताया करती थी कि उसका असली घर मथुरा में है। मथुरा यूपी में है, यूपी जहाँ पर मथुरा वृंदावन, आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, वहाँ मथुरा में उसका जन्म हुआ था। पिछला जन्म उसका असली घर बताया करती मथुरा में है, जो कि 145 किलोमीटर दूरी पर था। जहाँ पर उसका अब जन्म हुआ था ना, वो वहाँ से मथुरा 145 किलोमीटर यानी कि 90 मील की दूरी पर था। और उसने ये भी बताया कि उसका हस्बैंड अब भी वहाँ पर रहता है, और उसने अपने अपनी टीचर को बताया कि वो अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन के बाद मर गई थी। तो उसका बच्चा उस टाइम सेवल केवल 10 दिन का था जब वो उसने उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके 10 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके जब अब टीचर ने जब उससे बात करती थी, हालांकि वो केवल 4 साल की बच्ची थी, लेकिन वो जब बात करती थी तो उसकी जो उसका एक्सेंट था ना, वो मथुरा वाले था, यूपी वाला एक्सेंट था। हालांकि वो 90 मील दूर, 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर रह रही थी। उसने ये भी बताया कि उसके जो हस्बैंड का नाम था वो केदारनाथ था। तो केदारनाथ जी की पत्नी जो मथुरा में रहती थी, उसका अपने बच्चे को जन्म देते हुए निधन हो चुका था। अब इसकी पुष्टि करनी थी बात की। तो जब टीचर ने
उसके टीचर ने मथुरा में जाकर इस बारे में सर्च किया तो उसने बताया कि 9 साल पहले उस इंसान केदारनाथ की मृत्यु की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और वो बिल्कुल सही बात थी। और 10 दिन बच्चे के जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हुई थी और उसका नाम उस जन्म में लुगदी देवी था, वहाँ पर लुगदी देवी था। और केदारनाथ जब शांति से मिला तो उसने ये भी कोशिश की कि वो शांति का भाई बनकर मिले, लेकिन उसने पहचान लिया, शांति ने उसी टाइम उसको बता दिया कि तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा पति था केदारनाथ, उसका सही नाम भी बता दिया, उसने सारा कुछ पहचान भी लिया। देखिए ना कमाल की बात। और तो इस केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है, क्योंकि 1926 की बात है, उसमें महात्मा गांधी ने खुद इस केस के ऊपर अपनी उसकी पूरी रिपोर्ट बनवाई थी, इसीलिए ये केस एक्चुअली वहाँ दर्ज भी है, ये रिकॉर्ड्स के अंदर है। अदरवाइज ऐसे कितने ही केसेस हमारे इंडिया में मिल जाते हैं लेकिन वो रिकॉर्ड्स पे नहीं आते, लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी ने एक्चुअली इसकी रिपोर्ट तैयार की थी तो इस केस को रिकॉर्डेड किया गया था गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। ओके, तो अब नंबर 8 पर आते हैं। नंबर 8 पे जो है उसका नाम है रायन। ठीक, जो ये रायन है ये मिड वेस्ट, ये क्लेम करता कि वो मिड वेस्ट से था और उसका नाम मार्टी मार्टिन था। मार्टी मार्टिन जो कि हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर एज एन एक्स्ट्रा काम किया करता था, हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर एक्स्ट्रा जो होते हैं ना मूवीज़ में एक्स्ट्रा, उनमें काम किया करता था। उसने एक बार उसने पिक्चर में पॉइंट आउट करके बता दिया था कि ये मैं हूँ। उसने जब अपनी कोई उसकी मूवी की रिलीज़ हुई होगी कहीं पे भी, उसने उसमें से फ़ोटो पर हाथ करता था अपने पेरेंट्स को कि ये मैं हूँ। उसके पेरेंट्स सुनकर बहुत हैरान हो गए थे क्योंकि रायन कभी वहाँ पर ट्रैवल गया ही नहीं था, कभी वहाँ पर उसने ट्रैवल किया ही नहीं था। लेकिन उसने बताया रायन ने कि मैं पिछले जन्म में बड़ी बड़ी बोट्स में यानी कि क्रूज़ में शिप्स में मैं बहुत दूर दूर ट्रैवल किया करता था, पूरी दुनिया में ट्रैवल किया करता था और मैं ब्रॉडवे पे डांस भी किया करता था, ब्रॉडवे जगह है वहाँ पर, मैं वहाँ पर डांस भी किया करता था और उसका एक बहुत बड़ा घर था, उसमें स्विमिंग पूल भी था। अब उस उन्हें ये सब बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन वो जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि वाकई वो सच बोल रहा था। जब उस जब जो जिस फोटो के ऊपर उसने इशारा किया, जब उन्होंने उसके बारे में रिसर्च की तो उसने उसके बारे में बताया कि सारे डिटेल्स 1 to Z सही थी, वो वाकई में ब्रॉडवे पे एक डांसर था और वो फिर उसके बाद लॉस एंजल्स में मूव हो गया था और फिर वहाँ पर उसने हॉलीवुड मूवीज़ के एजेंट की तरह काम करना शुरू कर दिया था और उसके बाद बहुत बड़ा घर और पूल भी था। सो गाइज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट जो आती है बात वो है कैमरन मैकॉले की। कैमरन मैकॉले जब वो केवल 2 साल का था तो ये लड़का इंग्लैंड के ग्लासगो की अपनी ज़िंदगी के बारे में बात किया करता था, जो कि स्कॉटलैंड में एक छोटा सा किनारे पर एक रिमोट आइलैंड है, उसका नाम है बरा। वो बताया करता था कि वो वहाँ का है और वो, लेकिन एक्चुअल में कैमरन वहाँ पर कभी गया ही नहीं था। जब वो 3 साल का था तो अपने बोरा में उसका जो घर बना हुआ था उसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स के बारे में अपनी फैमिली के बारे में बात किया करता था। उसका जो डैड था उसका नाम था शेन रॉबर्टसन, जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके पिछले जन्म के जो डैड था उसकी बात बताया और उसने कहा कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी जो मतलब वो चाहता था कि वो अपनी पिछले जन्म की जो उसकी माँ है उससे मिले, बिकॉज़ वो अकेली है और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है कार एक्सीडेंट में और वो चाहता था कि वो जाकर के मिले। और जब उसके उसके पेरेंट्स थे वो फाइनली उसको बरा में ले कर गए और फिर वहाँ जब वो गए तो उसने उसके उसके बताई हुई बहुत सारी चीज़ें सच निकली, जो कैमरन ने बताई थी बहुत सारी चीज़ें वो सच निकली, छोटी छोटी चीज़ें भी, इवन के उनका जो डॉग था वो किस नस्ल का था उसने वो भी बताया, उसने अपने घर का रंग बताया, उसने वहाँ से विंडो से घर की विंडो से वो बाहर कैसे देखा करता था, क्या देखा करता था, क्या नज़ारा था, उसने वो सब पूरी डिटेल में उनको पहले ही बता दिया था। और जब जाकर उन्होंने पुष्टि की तो उन्होंने पाया कि वो सच बोल रहा था। फिर वहाँ एक इंग्लैंड की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली जो क्रू थी उसने उससे कॉन्टेक्ट किया और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, तो आप वो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं इस नाम से, कैमरन मैकॉले के नाम से। ओके, जो नंबर 6 पर हम बात करने वाले हैं उन्हें बोलते हैं पोलक ट्विंस।
पोलक ट्विंस का मतलब है पोलक जुड़वा, मतलब कि ये एक जुड़वा बच्चों की कहानी है। अब ये जो जुड़वा बच्चे हैं इनका जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ था, एक इंग्लैंड में जगह है हेक्सम वहाँ पर, और ये बताया जाता है कि ये अपनी ही बहनों का पुनर्जन्म था। कहने का मतलब ये कि ये जो जुड़वा दो बहनें पैदा हुई थी इनसे पहले उन्हीं माँ बाप की दो बच्चियाँ थी जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके पास इन्हीं दो बहनों ने जुड़वा बहनों के रूप में फिर से उन्हीं माँ बाप से जन्म लिया था। देखिए दिस इज़ अनबिलीवेबल, दिस इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। इसे आप कुदरत का कोइंसिडेंस कहेंगे या इसे भगवान का चमत्कार कहेंगे, इसे क्या कहेंगे वो आप नाम दीजिए, बट आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। आई मीन पुनर्जन्म होना तो ठीक है, लेकिन ये देखें ना कि वही उसी माँ बाप के यहाँ उन्हीं दो बच्चों का दोबारा जन्म लेना और वो भी जुड़वा बनकर, कमाल है ना। दिस इज़ जस्ट आई मीन अब अगर कोई भगवान में कुदरत में विश्वास ना करे तो वो तो फिर आई डोंट नो उसको हम क्या कहेंगे। खैर चलिए स्टोरी पर आते हैं। जो ये पहले जो दो बहनें थीं उनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, वो जुड़वा नहीं थी उस समय, ठीक, कहीं आपको ये गलत फहमी ना हो कि वो पहले भी जुड़वा थी, नहीं पहले जुड़वा नहीं थी। उन बहनों का नाम था जैकलिन एंड जोआना। जैकलिन की उम्र 6 साल की थी, जोआना 11 साल की थी जब उनके कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उसके बाद उन जुड़वा बहनों ने जन्म लिया और उन बहनों का नाम था गिलियन एंड जेनिफर, ठीक। उनका जो पिता थे इन दोनों के, जेनिफर एंड किलियन का, उनके पिताजी ने नोट किया कि जेनिफर के सर पर एक वाइट लाइन है बिल्कुल वैसी ही जैसी कि जैकलिन की मृत्यु के समय जो उसके सर पर एक चोट लगी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर जेनिफर के भी एक वाइट लाइन पड़ गई थी और वो बिल्कुल उसके भी एक वही बर्थ मार्क था जो कि जैकलिन के थी था, समझ रहे हैं आप, कि उसके सिर पर जहाँ जैकलिन के चोट लगी थी ना, जहाँ से उसके जिस रीजन से उसकी मृत्यु हुई जब एक्सीडेंट के अंदर, तो वही जगह पर वो जेनिफर अपना एक निशान लेकर पैदा हुई थी। और जैकलिन के जो पहले वाली पहले मृत्यु हो चुकी थी जिसकी, उस जैकलिन के पहले जहाँ पर बर्थ मार्क था वहीं पर ही जेनिफर के भी बर्थ मार्क था। और जो फैमिली थी वो एक्चुअली जहाँ पर रहते थे जहाँ पर उनकी मृत्यु थी वो वहाँ से मूव हो चुके थे बच्चों की मृत्यु के बाद। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू लिव इन द सेम हाउस जहाँ पर उनके बच्चे खेलते कूदते और अचानक वो उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके लिए बहुत डिस्ट्रेसफुल होता है। तो वो वहाँ से मूव हो गए थे, वो मूव हो गए और उसके बाद वो वापस उस शहर में उस घर में कभी गए ही नहीं। और जब वो उन बच्चे उन्होंने देखा कि ये जो नए बच्चे हैं नई बहनें हैं वो बहुत सारी उनकी समानताएं आ रही हैं अपने पिछले बच्चों के बारे में के जैसी ही, तो इन्होंने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि चलो इन बच्चों को पुराने घर में लेकर चले। जब उनको पुराने घर में लेकर गए तो उन्होंने शहर में एंटर करते ही सब कुछ बोलना शुरू कर दिया कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कौन सी गली, कौन सा मोड़, कौन सी दुकान, कौन सा घर, उनके यारों दोस्तों का घर, सब कुछ उन्होंने पहले से ही बताना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने स्कूल का भी पहचान लिया, सब कुछ बता दिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जैसे कि वो खुद ही बिताई हो उन्होंने सब बता दिया। अपने पुराने खिलौने उन्होंने बता दिए, कहाँ पर पढ़े हैं, कैसे थे, क्या करते थे, क्या नाम रखा हुआ था खिलौनों का, उनकी गुड़िया के नाम क्या थे, वो सब कुछ उन्होंने बता दिया जो कि 9 साल पहले हो चुका था। देखिए ना अमेजिंग, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रीइंकार्नेशन स्टोरीज आई वुड एवर हियर इन माय लाइफ टाइम। ओके सो अब चलते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 पर जिसकी हम स्टोरी सुनाने वाले हैं उसका नाम है हंटर, ठीक है। ये एक 3 साल के बच्चे की कहानी है जिसने के ये दावा किया कि वो एक लेजेंडरी गोल्फर था, बॉबी जोन्स। बॉबी जोन्स एक गोल्फ खेला करते थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे गोल्फ के। वो उनके पुनर्जन्म होने का दावा किया करता था। उसने फ़ोटो में अपने आप को पहचाना था, बोला था कि ये मैं हूँ, और वो फ़ोटो बॉबी जोन्स की थी। फिर उसने बॉबी जोन्स जैसे गोल्फ खेला करता था उसने बिल्कुल वैसे ही शॉट्स मार के दिखाए उन्हें।
और उसने बताया कि उसने उसने घर की तरफ इशारा कराया कि ये घर मेरा है। उसने उसके बारे में सारी डिटेल्स बताई, बिल्कुल एकदम, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। देखिए ना, इतने सारे लोगों का अपने पुनर्जन्म में, अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बताने, घर कहाँ है, कैसे थे, क्या प्रोफेशन था, क्या उनके पेरेंट्स का नाम था, क्या उनके ब्रदर सिस्टर का नाम था, उनके पेट डॉग्स का नाम क्या था, जो भी था वो सब वो डिटेल पूरी डिटेल में बता देते हैं, उनको याद रहता है। लेकिन एक बात जो इसमें थी कि हंटर ऑल्सो वॉज इनसेनली गुड एट गोल्फ। हंटर खुद भी गोल्फ का एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर था। देखिए यहाँ पर वो विशेषता आती है ना कि चलो आप किसी के बारे में, किसी के पेरेंट्स के नाम याद कर सकते हैं, आप कुछ भी याद कर सकते हैं, फेम पाने के लिए आजकल देखे ना बहुत कुछ होता है, सो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सेम टेक्निक से खेलना तो एक चमत्कार है ना। और फिर उसने, जब छोटे बच्चे ने सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने जूनियर टूर्नामेंट्स खेले, उन जूनियर टूर्नामेंट्स को खेलते हुए उसने 50 में से 41 जीते थे। ये देखिए कमाल की बात, 50, छोटे 7 साल के बच्चे ने जूनियर टूर्नामेंट्स खेले और उसमें उसने 50 में से 41 जीते थे, और उन 41 में से 21 लगातार जीते थे। ये है ना, इसको हम कोइंसिडेंस नहीं कहेंगे, इसको तो हम चमत्कार ही कहेंगे। देखिए हर एक किस्सा जो आपको बता रहा ना, इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप इसके बारे में गूगल में सर्च कीजिए और अकेले अकेले इन लोगों के बारे में जो आप पढ़ेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे, आपको विश्वास होने लग जाएगा अपने जन्म में, इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज हैं ये। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, आई एम टेलिंग, दिस इज़ अमेजिंग। ओके चलो, अब हम नेक्स्ट की नंबर 4 की तरफ आते हैं। नंबर 4 पे है बार्बरो कार्लन। ओके, बार्बरा कार्लन एक लड़की है। ये लड़की जो है, इसे अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद था, और उसने बताया कि उसके पिछले जन्म में उसका नाम एन फ्रैंक था। एन फ्रैंक जिसने के एक डायरी लिखी थी, ये वो लड़की है जिसने के बहुत ही फेमस एक डायरी लिखी थी, जो कि नाजी से, नाजी थे ना, नाजी जो जर्मनी के ये कह लीजिए कट्टरपंथी थे, जो उग्र के उग्र उसके थे, थोड़े बहुत वो रेसिस्ट के भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं। वो नाजी से जब वो बचते आई थी, तो उसने बचने में अपनी जो ज़िंदगी बिताई, छुप छुप कर बिताई, उसमें एन फ्रैंक ने अपनी एक डायरी लिखी थी, और वो बार्बरो जो थी वो क्लेम करती थी कि मैं ही एन फ्रैंक हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। बार्बरो ने अपने पेरेंट्स को जब बताया कि वो ही एन थी, और उसने उन्हें अपने बताया कि अपने पेरेंट्स को बोलती कि तुम मेरे असली माता पिता नहीं हो, जिन्होंने उन्हें इस जन्म में जन्म दिया था, उन्हें बोला करती कि वो तुम मेरे असली माता पिता नहीं हो, और उसने ये भी इंसिस्ट किया कि उसके जो रियल पेरेंट्स हैं वो आएंगे और उसे ले जाएंगे। जो बार्बरो थी वो एक्चुअली स्वीडन में पैदा थी, वो स्वीडिश थी, लेकिन इस पॉइंट पर जब उसने बताया कि मैंने वो डायरी लिखी है, और उसने अपनी जो जो वो डायरी थी एन फ्रैंक, वो उस टाइम तक क्या था कि एन फ्रैंक की डायरी थी वो स्वीडिश में ट्रांसलेट भी नहीं हुई थी जब उसका पैदा हुआ था, तो वो उसके पास कोई चांस था ही नहीं बार्बरो के पास कि वो उस डायरी को पहले से पढ़ सकती, हालांकि वो छोटी बच्ची थी 3 साल की, बट स्टिल वो उसको पढ़ ही नहीं सकती थी क्योंकि वो स्वीडिश में कभी ट्रांसफ़र हुई ही नहीं थी, कभी उसको ट्रांसलेट किया ही नहीं गया था। और जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, वो अपने पेरेंट्स को लेकर एम्स्टर्डम गई, और उसने खुद टैक्सी ली, उसने खुद बताया कि हमें यहाँ पर जाना है, मुझे मालूम है हमें कहाँ पर जाना है, उसने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताया। उसके पेरेंट्स को एम्स्टर्डम के बारे में पता नहीं था, बट उसने बताया कि हमें यहाँ पर जाना है। वो एक घर की तरफ लेके गई, उसने घर में जाकर बताया कि यहाँ पर एन फ्रैंक छुप के रही थी, और उसने वो सारे घर की डिटेल बताई, और उस घर से, उस मोमेंट से फिर उन पेरेंट्स को विश्वास हुआ कि वाकई ये लड़की का पुनर्जन्म हुआ है, और फिर उन्होंने उसको मानना शुरू कर दिया। अब देखिए ऐसे किस्सों में जब ये लड़की ये क्लेम कर रही थी कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उन पेरेंट्स के ऊपर बेचारों के ऊपर क्या बीतती होगी, दैट इज़ ऑल्सो यू नो अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इट्सेल्फ, कि भाई उनका उन वो क्या करें, वो कैसे, वो क्या करें, वो अपने बच्चे की याददाश्त, पूरे पुराने जन्म की याददाश्त को मिटा सके, या उसके पुराने जन्म की याददाश्त जो है उसको उसको वो एक्सेप्ट कर लें और उसको उसके जो पुराने पेरेंट्स हैं उनके पास छोड़ आए। अब दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू नो दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर ईच ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि जब पुराने पेरेंट्स को पता लगे कि उनका बच्चा पुनर्जन्म हुआ है, तो वो उसको मिलने के लिए तड़पेंगे क्योंकि उन्होंने बच्चा खोया था। अब जो नया बच्चा है,
वो उसके पेरेंट्स उसको कैसे किसी और को सौंप दे। सो दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई मीन कुदरत भी कई बार ऐसा खेल खेलती है कि हम इंसानों की समझ से बाहर हो जाता है, हम तो उसका फैसला भी नहीं कर पाते। चलिए अच्छा, जो अब हम आपको बात करने वाले हैं, ये नंबर दो पर जिसकी कहानी रहती है ये उसकी है। अब इसमें हम आपको नाम नहीं दे सकते जिसका पुनर्जन्म हुआ है। नाम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि क्या है कि ये जो बच्चा है जिसकी हम कहानी आपको बताने वाले हैं, इसके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते थे कि उसका नाम रिवील किया जाए। अब देखिए, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे कंट्रीज़ में क्या होता है कि हम लोग इस चीज़ को नहीं इतना समझते। हम मतलब जब हम भी राह चलते, कभी भी किसी भी बच्चे की कोई भी डिटेल्स हम पब्लिश कर देते हैं, जो कि एक्चुअली कानून के खिलाफ है। ये कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हम किसी भी बच्चे की कभी भी कोई भी डिटेल्स, कोई पिक्चर, कोई वीडियो विदाउट हिज पेरेंट्स परमिशन या उसके जो गार्डियंस हैं, जो उसके लीगल गार्डियंस हैं, उनकी परमिशन के बिना हम पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक, तो ऐसा हमारे कंट्रीज में बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन फॉरेन में इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, जागरूक हैं। तो उस बच्चे के पेरेंट्स ने पब्लिश करने से मना किया है उनके अपने बच्चे के नाम को। लेकिन उसकी स्टोरी हम आपको बता देते हैं। ये बच्चा जब छोटा 3 साल का था, तो इसका जन्म एक्चुअली 2006 में हुआ था। 2009 के पास ये बच्चा इसके पेरेंट्स को एक डॉक्टर के पास लेके गए, बिकॉज़ वो बच्चा शुरू से ही ना सर में दर्द होने की बहुत कंप्लेंट किया करता था। तो वो जो डॉक्टर के पास लेके गए, तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से वो बच्चा डर रहा था। अब सभी बच्चे डॉक्टर के पास डरते हैं कि इंजेक्शन से, लेकिन ये जो बच्चा था ये एक्चुअली में डर रहा था, और ये डर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का था। तो जब उसके पेरेंट्स ने उन्हें उसे तसल्ली दी कि हम तेरे साथ हैं, तू डर मत, ये वो, जब तसल्ली दी तो तब उसने बोलना शुरू किया। और उसे जब बताना शुरू किया तो उसने कहा कि डॉक्टर को साथ लेकर चलो, हम एक जगह पर लेके चले। वो जब गाइस ध्यान से सुनना, अभी आके क्या बताने वाला हूँ, जब वो डॉक्टर को लेकर गए, वो उनको एक गांव में ले गया, अपने ही गांव में, उसी उसी गांव में। उस गांव में जब लेकर गया तो उसने बताया कि ये जो कब्र है ये मेरी है। देखिए कितनी हैरानी वाली बात है, सोचिए कि उन लोगों पर क्या बीते कि जो साथ में खड़े हैं, और एक जिंदा इंसान ये कह रहा है कि वो कब्र मेरी है, मैं मर चुका हूँ लेकिन वो कब्र मेरी है, लेकिन मैं जिंदा भी हूँ। ओह माय गॉड। पर ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट द बेस्ट पार्ट। अभी आगे सुनिए जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि उसने उस डॉक्टर को उंगली करके ये बोला, उसकी तरफ इशारा करके बोला कि इसने मेरी हत्या की थी। वाह, उस डॉक्टर ने उसकी हत्या की थी। फिर उसने बताया कि इस डॉक्टर ने मेरे सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया था तो मेरी मृत्यु हुई थी। फिर इसने मेरी बॉडी को कहीं पर छिपा दिया था, और जहाँ पर छिपाया था वो उसने उस जगह का भी इशारा किया, और वो जब उसने उस जगह का इशारा किया, वहाँ पर जब देखा गया तो वहाँ पर सबूत मिले कि वहाँ पर उसको दफनाया गया था। और वो डॉक्टर कहने की बात ही नहीं है, उसके बाद कई सबूत मिले। फिर डॉक्टर ने अपने वो गुनाह भी माना था और उसको सजा हो गई थी। शायद इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसकी डिटेल्स रिवील नहीं की थी। दिस इज एक्चुअली अनदर लेवल। अब अगला जो नंबर एक पर आता है, ये एक थाईलैंड के बच्चे की कहानी है। उसका नाम है चनाई। ओके, निक नाम उसका चनाई है, लेकिन जो उसका एक्चुअल में नाम है वो प्रनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई ट्राई। इट्स चुमलाई वोंग। ओके, चुमलाई वोंग उसका नाम है। ये थाईलैंड का 3 साल का बच्चा है जिसकी कहानी है। और उसने कहा कि वो अपने पिछले जन्म में एक टीचर हुआ करता था जिसका नाम था बुआ काई। ओके, और उसने कहा कि एक दिन वो स्कूल से अपने घर को जा रहा था, तब उसे सर में गोली मार दी गई थी, जैसे इस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी। और उसने बताया कि उसे अपने पिछले जन्म के पेरेंट्स के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, इवन अपने बच्चों के बारे में सब कुछ मालूम है। फिर उसने अपने दादी से रिक्वेस्ट की कि वो उसको पुराने, अपने पिछले जन्म वाले घर पे लेके जाए। तो जब वो उसकी दादी और उसके घर वाले उसको बुआ काई यानी कि उसके पिछले जन्म के घर पे ले करके गए, तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स थे जिन्होंने बताया कि वाकई में उस बुआ काई का जन्म 5 साल पहले
मर्डर हो गया था सर में गोली लगने की वजह से। और फिर उसके बाद जहाँ गोली लगी थी वहीं पर ही इस लड़का, जो ये लड़का था चुनाई, उसके सर पर वहीं पर निशान थे, एक सर के पीछे और एक आँख के थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पर गोली लगी और वो बाहर निकल गई, तो दोनों जगह पर उसके वहीं पर निशान थे। एंड ये एग्जैक्ट वही स्पॉट थे, ठीक है। अब आपको मेरे पास इसकी फ़ोटो, मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे मिल जाए लेकिन मिली नहीं है, वरना मैं दिखाता कि देखिए उसके चेहरे पर निशान वो विजिबल भी होता। खैर चलिए, तो ये थी हमारी स्टोरीज मेन, ऐसे 10 किस्से फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे हजारों किस्से हैं लेकिन ये मैंने आपको मेन जो 10 किस्से हैं जो कि ये कह लीजिए कि मीडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, पब्लिश हुए हैं, तो वो मैंने आपको उसमें से जो मेन 10 हैं वो निकाल कर लाया हूँ और आपको बताया है। अब ये सुनने के बाद इसमें बहुत कुछ तो स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग रही हैं, ठीक, स्पेशली वो जो सिस्टर्स थी जो जुड़वा पैदा हुई, या फिर वो जो अभी जिसके बारे में बताया, जिसके जिसने उस इंसान को बता दिया किसने मेरी हत्या की थी। देखिए दीज आर स्पेशल वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो आप क्या सोचते हैं पुनर्जन्म के बारे में? क्या आपके साथ कोई ऐसा हुआ है? क्या आपको कभी कोई ऐसे सपने आते हैं? हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर सम वन एक्चुअली टू हियर फ्रॉम समवन इन रियल लाइफ, किसके साथ ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ऐसे ही कम समय में पूरी खबर देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक नया YouTube चैनल है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ हेल्प करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों।